नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार में शिक्षकों का मामला आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे में पिछले दिनों ही ये खबर सामने आई थी कि शिक्षकों के साथ मारपीट की गई, हाथापाई की गई थी। इसके बाद एसीएस एस सिद्धार्थ खुद ही उस स्कूल में पहुंचे थे और उस पूरे मामले की जानकारी ली थी। तो वहीं बता दें कि एक बार फिर से शिक्षकों के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आ गया है। जी हां, उस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक शिक्षकों के साथ बदतमीजी कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है। इसके साथ ही इस दौरान नौबत हाथापाई पर भी आ गई। वीडियो में साफ तौर पर इन सारी चीजों को देखा जा सकता है। बता दें कि इस वीडियो को एजुकेटर्स ऑफ बिहार की ओर से जारी किया गया है सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा मामला जो है वो सहरसा जिले का है। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए एजुकेटर्स ऑफ बिहार की ओर से लिखा गया कि वीडियो में व्हाइट गंजी और हाफ पैंट में दिख रहा युवक अक्सर विद्यालय में आकर शिक्षकों को डराया धमकाया करता है, जिससे सभी शिक्षक डरे हुए हैं और चिंतित हैं। यूएसएस परताहा बड़हरा नौहट्टा सहरसा। तो ये पूरा मामला सहरसा के एक सरकारी विद्यालय का है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षकों के साथ इस तरह के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद जो शिक्षक हैं उनमें भय का जो माहौल है वो पूरी तरीके से कायम हो गया है। और क्या कुछ वीडियो में दिखाया गया है वो आप खुद भी देख लीजिए। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से एक युवक शिक्षकों को डरा रहा है, धमका रहा है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि जमुई जिले से भी खबर आई थी, जहां पर अपराधियों के द्वारा शिक्षकों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद किसी भी तरह से शिक्षकों ने अपनी जान बचाई थी और जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी, न्याय की मांग की थी। इसके बाद एक और तस्वीर निकल करके सामने आई थी, जिसमें देखा गया था कि एसीएस एस सिद्धार्थ जब जमुई दौरे के निकले थे तो इस दौरान उन्होंने जमुई के कई सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया था, लेकिन इसके साथ ही साथ वे उस स्कूल में भी पहुंचे थे जहां शिक्षकों के साथ मारपीट की गई थी। इस दौरान उन्होंने उन शिक्षकों से मुलाकात की जिन्हें अपराधियों ने अपना निशाना बनाया था और उनके साथ हाथापाई की थी। तो इस दौरान एसीएस एस सिद्धार्थ ने पूरे
मामले की जानकारी ली थी। तो इन तमाम गतिविधियों के बीच एक और जो मामला है, ठीक वैसा ही मामला सहरसा से सामने आ गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शिक्षकों के साथ हाथापाई की गई और एक बार फिर से जो शिक्षक है वे डरे हुए हैं, भय के साए में जी रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से लगातार शिक्षकों के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आ रही है, तो आखिर पुलिस इन मामलों में क्या कुछ एक्शन लेती है और शिक्षा विभाग क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ जो कदम है वो शिक्षकों के हित के लिए उठाए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।